बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पीपल पतिया बाहे चूड़ा खनके मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोनिया तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? Guys, welcome back to my channel and finally here's the bridal look video. You all have been asking religiously कि कोमल आपको ब्राइडल लुक में देखना है, शादी के बाद आप सिंदूर चूड़े इन सब के साथ में हैवी आउटफिट के साथ में कैसे लगते हो वो देखना है. ऑनेस्टली आई वॉज अ बिट नर्वस क्योंकि अभी तक शादी वाला जो वीडियो है वो अभी तक गया नहीं है, लाइव नहीं गया है क्योंकि कुछ फुटेज में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए तो उस पर काम चल रहा है. सो प्लीज़ बेयर विद दैट और जल्दी से ही आपको वेडिंग सीरीज देखने को मिलेगी. लेकिन वो शादी वाला फाइनल वीडियो अभी तक गया नहीं था एंड आई वॉज लाइक कि आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को लोगे. लेकिन हाँ, आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि कोमल आप चूड़ा नहीं पहनते, आप सिंदूर नहीं लगाते. सो इस वीडियो में आपको कोमल गुड्डन चूड़े में भी दिखेगी और सिंदूर के साथ में भी दिखेगी. सो बताना मुझे आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आप मुझे कंटिन्यू ऐसे लुक में देखना चाहते हो या नहीं. ऑब्वियसली वंस इन अ वाइल तो अच्छा लगता ही है, बट लेट मी नो. इस वीडियो में यूज करी हुई सारी डिटेल्स, आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक एंड लेट्स स्लीव्स बहुत सुंदर है. लेट्स गेट स्टार्टेड. किसी भी मेकअप लुक को अच्छी स्किन से इन्हांस किया जा सकता है और उसके लिए स्किन प्रेप का वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा. मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर और यहाँ पे मैंने यूज किया है स्मैश बॉक्स का द ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. मेरे पास का सैम्पल साइज है बिकॉज मैंने इसका सेटिंग स्प्रे बाय किया था. इस लुक की खासियत है कि ये बहुत ज्यादा ग्लोइंग मेकअप लुक है, पार्टी अप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए इल्यूमिनेटर मस्ट है. और यहाँ पे मैंने यूज किया है मैक का स्ट्रोब क्रीम. आई एम इन द शेड पिंक लाइट. इसको थोड़ा सा लेके अपने फेस पे लगा लो एंड दैट्स इट. ओके, सो फाउंडेशन में जो मैंने लिया है वो है लॉरेल इनफॉलेबल 24 आवर्स फिनिश फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 140 गोल्डन बेज इन दिस वन. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. वेरी कन्वीनियंट. आई टोटली लव दिस पैकेजिंग एंड इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी है. सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर मैंने लगाई है और हल्का सा इस जगह पे मैंने बिल्ड किया था. नाउ थोड़ा सा फाउंडेशन लेके विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर जो कि है पैक का, मैंने अपने फेस पे इसको बाउंसिंग, लाइक जो बाउंसिंग एक्शन होता है ना, उसमें मैंने इसको यूज किया है. यू डोंट हैव टू ड्रैग दिस, अदरवाइज बहुत ज्यादा पैची और बहुत अच्छा नहीं लगेगा. मतलब अब यहाँ पे मेकअप जो है वो पार्टी अप्रोप्रिएट है लेकिन इतना हैवी भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी यू नो करेक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है. ऑल आई हैव यूज्ड इज लॉरियल पैरिस इनफॉलिबल लॉन्ग वेयर कंसीलर. आई एम इन द शेड 312 एम्बर इन दिस वन एंड बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी. इट इंस्टेंटली ब्राइटन अप कर देता है एरिया को और इसके लिए आपको ब्राइटनिंग कंसीलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जब कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली मैंने बेकिंग नहीं करी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यू नो प्रोडक्ट सेटल कर देता है आपके अंडर आई एरिया के आसपास, विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि उससे क्या फाइन लाइन्स ऐसे यू नो उसमें सेटल हो जाता है मेकअप. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है के ब्यूटी जो कि है कैटरीना कैफ का ब्रांड और इसका HD ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर इन द शेड वाइट. दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई लव द पैकेजिंग. वंस डन विद द बेस मेकअप हम चलते हैं आईब्रोज पे और आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है फेसिक्स कैनरा की अल्टाइम प्रो आईब्रो पेंसिल. It's in the shade tan 01. So you have pencil on the one side and spoolie on the other side. उसे sparse area को fill in करने के बाद में what I did was I used this Palladio की brow styler tinted gel जहाँ पे eyebrow start होती है ना बिल्कुल वहाँ पे, so that it looks more natural. Otherwise ये वाला जो color है ये वाला थोड़ा सा dark लगता है. So now let's quickly move on to the eye makeup और उसके लिए सबसे पहले अपनी eyes को ना warmth देना बहुत ज़्यादा important है. तो कोई सा भी एक brown color का rusty brick जो color होता है उससे भी आप अपनी eyes को warmth दे सकते हो, just the way I did. And then मैंने यहाँ पे Huda Beauty का रोज गोल्ड पैलेट लिया है रीमास्टर्ड एंड इसमें से मैंने कौन सा शेड लिया है, आई टुक दिस कोको शेड जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब मैं डर गई थी जब मैंने इसको पहली बार यूज किया था. तो इस पर्टिकुलर शेड को आई मीन आई हैव दिस पैलेट सिंस 3-4 months. ओके, सो मैंने वाला कोको शेड लिया है और उसको बहुत अच्छे से अपने आईलेट पे अप्लाई कर लिया है और उसके बाद में अच्छे से उसको ब्लेंड करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज ब्लेंडिंग इज द की. देन मैंने यहाँ पे ये ब्लैक ट्रफल शेड है इसको मैंने लिया है एंड देन इसको हल्का हल्का सा आउट ऑफ वी पे मैंने इसको लगाया है सिर्फ और सिर्फ वो एक यू नो डेप्थ क्रिएट करने के लिए, सो दैट यू नो हल्का अंदर फिर थोड़ा सा बाहर डार्क फिर उससे और डार्क बाहर, कुछ ऐसा लुक. ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है अदरवाइज पैची लग सकता है लुक. फॉल्स आई लैशेस के बिना ये वाला लुक मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी बिकॉज
ऐसे ही ठीक है। तो मैं क्लाशेस मैंने ली हैं पैक की, इट्स इन दी शेड M75। इसको लगाने के बाद में मैंने लाइनर भी यूज किया है, सो दिस वन इज लॉरियल पैरिस मैट सिग्नेचर आई लाइनर, इट्स इन दी शेड 01 ब्लैक सिग्नेचर, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, अ लव हाउ लग्जूरियस इट लुक्स। देन मस्कारा में मैंने दो मस्कारा यूज किए हैं, एक तो है बॉबी ब्राउन का ये वाला विच इज स्मोकी आई मस्कारा, इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, वॉन्ड इसका भी बहुत अच्छा है, इसका एप्लीकेटर बहुत स्मार्ट है। सो दिस इज बाय लॉरियल पैरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा, नाउ इट्स अवेलेबल इन इंडिया एंड इसके ब्रिसल्स बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसको अच्छे से लगा दो लोअर लैश लाइन पे भी। एंड विद दिस मस्कारा पार्ट वी आर डन विद द आई मेकअप, थोड़े से ग्लिम्स हो जाए। वेल मेकअप अच्छा दिखे इसके लिए स्किन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मेकअप करने से पहले देखते हैं मैंने अपनी स्किन को प्रेप कैसे किया। सो एज फेस्टिवल्स आर अप्रोचिंग और उस केस में एक्ने मार्क्स या फिर पिगमेंटेशन इनकी वजह से आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं दिखता, और उस केस में अपनी स्किन को फेस्टिवल रेडी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ टाइम से अभी यूज करना स्टार्ट किया है विच इज जस्ट 20% विटामिन सी सीरम फ्रॉम द ब्रांड डर्माको, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें क्या विटामिन सी सीरम है जो कि पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, फाइन लाइंस, इन पे ना मिल बांट के बहुत अच्छे से तरीके से काम करता है, उसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। लेट मी शो यू हाउ आई यूज इट। तो 1 to 2 ड्रॉप्स मैक्स, दैट्स इट। और मेरा अभी नेक कवर है आउटफिट से, तो अभी नेक पे अप्लाई करना एप्लीकेबल नहीं है। मेकअप से पहले जब मैं उसको लगाती हूँ तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करता है बिकॉज ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द सीरम। और इसमें जो विटामिन सी है ना वो पिगमेंटेशन, डार्क मार्क्स और इन सब पे हेल्प करने वाला है मेरी स्किन को, एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है। और अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो तो कैसे यूज़ करना है, एवरी डे मैं आप उसको यूज़ करूँ मॉर्निंग में, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ सनस्क्रीन वंस यू हैव अप्लाइड दिस, क्योंकि सनलाइट में डायरेक्ट हम नहीं जाते हैं विटामिन सी लगाने के बाद में, एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद यू आर गुड टू गो। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड डर्माको एंड दिस इज स्पेशली डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें 20% विटामिन सी का अमाउंट है, तो आपको दिखाते हैं तो वो चीज़ ना आपके सामने है, अनलाइक अदर ब्रांड्स जो कि रिवील नहीं करते हैं इन चीज़ों को। एंड दिस ब्रांड स्पेशली आई लाइक द फैक्ट दैट दिस ब्रांड प्रमोट्स लिविंग विदाउट फिल्टर, कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है, स्किन कंसर्न है, आप उन पे काम करो लेकिन उनको फिल्टर से छुपाओ मत, विच इज रियली ग्रेट, एब्सोल्युटली सेफ टू यूज, मतलब सोचना ही नहीं पड़ेगा दोबारा। आई हैव द लिंक ऑफ दिस सीरम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लस अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग और भी थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हैं बाय चेकिंग ऑन दिस वेबसाइट विच इज dermaco.com. And lastly, and yes, do not forget to use this coupon code at the time of checkout at the dermaco.com. इससे आपको flat 25% off मिलने वाला है। Quickly move on करते हैं face makeup पे। तो मैंने यहाँ पे use किया है Physician Formula का butter bronzer and it's in the shade 6676E bronzer, कुछ इस तरीके का है। I love the packaging. इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, वनीला सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट अब मैंने ब्लश के लिए यूज किया है लॉरियल पैरिस का मोनो कलर पाउडर ब्लश, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड आई एम इन द शेड 08 सिटी एक्सप्लोरर। एक्चुअली आई हैव सेंट सम प्रोडक्ट्स बाय लॉरियल एंड आई टोटली लव द पैकेजिंग, दिस दिस दैट लाइनर, टोटली लव इट। फॉर हाईलाइटर आई यूज हुडा ब्यूटी 3D हाईलाइटर पैलेट, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई यूज इट बहुत बहुत कम टाइम हुआ है मैंने इसको यूज किया है। यू गाइस रिमेंबर आई बॉट दिस इन माई ब्राइडल मेकअप किट, सो अभी देख रहे हो ना काम आ रहा है। ये वाला शेड मैंने यूज किया है, सो आई यूज दिस पर्टिकुलर शेड। तो मैंने हाईलाइटर को लगाया अपने हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस, लाइक माई चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स बो, यहाँ पे मिरर देख के बोल रही हूँ, कुछ नहीं रखा मेरे आगे, ठीक है। सो आई प्रेप माई लिप्स यूजिंग दिस अलानेश लिप स्लिपिंग मास्क, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, है ना। तो लिप शेड थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, लेकिन विद दिस बोल्ड स्मोकी ब्रॉन्जी गोल्ड आई मेकअप लुक आई थिंक न्यूड बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिप्स डोंट लाई बाय नायका, दिस इज देयर लिप लाइनर, इट्स देयर लिप लाइनर इन द शेड पिलो फाइट। इससे अच्छे से लाइन कर लिया, हल्के से ऑरेंज अंडरटोन्स हैं इसके। एंड देन मैंने ये वाला शेड लिया है फ्रॉम पर्पल मैट लिपस्टिक है ये, एंड इट्स इन द शेड बोर्ड गेम टाइम 6 इज द नंबर। सो इसको अच्छे से अपने लिप्स पे लगा लिया एंड या दिस वॉज द फाइनल लुक। आई टोटली लव किस तरीके से ये दोनों ब्लेंड हो गए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन निकल के आया था ये। एंड फाइनली यू नो व्हाट आई मीन, मैक का प्रेप एंड प्राइम कोई सा भी आप यूज़ करो, बट थोड़े से अच्छे क्वालिटी का यूज़ करो एंड दैट्स इट। सेट कर लो अपने मेकअप को। अब जब इतनी देर तक इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़े से ब्यूटी शॉट्स और हो जाए। दिस वॉज माई ब्राइडल लाइक पोस्ट वेडिंग मेकअप लुक फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से देखना चाहते थे मुझे चूड़े में, सिंदूर में और हैवी आउटफिट में मेन लेके, क्योंकि मैंने अब तक
यू नो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में. सो लेट मी नो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा. नाउ ये वाला जो मेकअप लुक है ये पार्टी यू नो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. आवाज़ को क्या हुआ मेरी, ऐसा इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं. बहुत ही यू नो स्मोकी सा ब्रॉन्जी गोल्ड ऐसे टाइप का मेकअप है जो कि पार्टी के लिए भी मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना. तो ये एक्साइटमेंट का लेवल कितना है मेंशन करिए और ये भी याद रखिए. आई लव यू ऑल सो मच. बाय. स्लीव्स बहुत प्यारी है इसकी.